हेलो वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ हमारा 15 फीट इसकी फ्रंट और बैक है और जो इसकी डेप्थ है वो हमारी 45 फीट है। 15x45 का ये प्लान है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन गेट है और आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो आपको सबसे पहले इधर देखने को मिलती है 3x3 फीट की WC, जिसके लिए हमने वेंटिलेशन भी 1 फीट का दे दिया है और यहाँ से इसका हमने 2.5 फीट का डोर दिया हुआ है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है ड्राइंग रूम, जिसके लिए हमने यहाँ से इनको डोर दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 8x3x11 फीट का ड्राइंग रूम बनाया गया है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24 से 48 घंटों में आपको मैप हम बना करके दे देते हैं। मैप अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उसमें चेंजेस भी जब तक करवा सकते हैं जब तक वो आपको पसंद ना आए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने एक विंडो यहाँ पर और दूसरी विंडो यहाँ पर दे दी है। यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। ड्राइंग रूम में आपको एक और डोर देखने को मिलता है जो कि आपको अंदर हाउस में लेकर के जाता है। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलता है किचन, जिसके लिए हमने यहाँ से इनको 2.5 फीट का डोर दे दिया है। इस किचन का साइज़ है आपका 8x3x5x3 का हमने इनको किचन दिया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो भी लगा दी है, यहाँ से फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। आप इस किचन में एल साइज़ स्लैब भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो आपको ये कुछ एरिया आपको ओपन देखने को मिलता है। आप इसको लॉबी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप इधर देखते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर स्टेयरकेस यानी कि जीना, जो कि आपको 3 फीट का दिया हुआ है। यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, ये आपको यू शेप में दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है जीने के नीचे ही आपको देखने को मिलती है बार, जिसका डोर हमने यहाँ से इनको 2.5 फीट का दिया हुआ है। बार का साइज़ आपका है 4x4.5 फीट की हमने इनको बार दे दी है। अब इधर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है बेडरूम। इनकी रिक्वायरमेंट है 1 BHK सेट यानी कि 1 बेडरूम चाहिए, तो वो हमने दे दिया है। 3.5 फीट का डोर हमने इस बेडरूम में दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 9x10.5x12 फीट का बेडरूम दिया गया है। और इस बेडरूम से अटैच किया गया है स्टोर, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। स्टोर का साइज़ है आपका 4x7.6 का हमने इनको स्टोर दिया हुआ है, जो कि बेडरूम से अटैच है। इस बेडरूम में की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो भी लगा दी गई है। ये जो इसकी ये वाली वॉल है यानी कि जो आउटर वॉल है वो 9 इंच की दी जाती है, लेकिन इनको ये वाली वॉल तो आपको 4.5 इंच की दी गई है। और जो आपकी फ्रंट और बैक की वॉल है वो आपको 9 इंच की दी गई है। और जो रूम की वॉल है वो भी आपको 9 इंच की ही दी गई है। और ये जो स्टेयरकेस की वॉल है ये भी आपको 9 इंच की ही दी गई है। तो आप हमसे मैप बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से लीजिएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपका मैप बनाया जाएगा। ये मैप इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है, आपका मैप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेकर के व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं।